हाय गाइस, दिस इज मिस मानली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक मरतबा फिर अब्दुल्ला भाई के पास आया हूँ। इनके पास ग्राफिक कार्ड का स्टॉक आया है। आइए अब्दुल्ला भाई से पूछते हैं कि कौन से ग्राफिक कार्ड है, इनकी क्या प्राइस है, और ये भी पूछते हैं कि प्राइस पहले से आप या डोन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अब्दुल्ला भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। एसी ठीक करा लो, गर्मी बहुत होगी साहब। करा लेते हैं भाई। ठीक है। अच्छा, हमारे व्यूअर को ये बताएं कि कौन से कार्ड आए हैं आपके पास, क्या इनकी प्राइस है, आप या डाउन हुई है? इनकी प्राइस पहले से तो डाउन हुई है, लेकिन अब जिस तरह डॉलर का रेट बढ़ रहा है, तो जो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में महीने तक इसका इफेक्ट होगा हम पे, और ये प्राइस इंक्रीज ही होंगी अब इसके बाद। यानी कि यही आपके पास इस टाइम टाइम है कि अगर आपने कार्ड सस्ते में बाय करना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। वन बाई वन इनको कार्ड दिखाते हैं और इनकी प्राइस बताते हैं। सबसे पहले कौन सा कार्ड? सबसे पहले हम छोटे कार्ड से शुरू करते हैं। ये हमारे पास है 1 GB का DDR3। ये काफ़ी लोग ना डिस्प्ले वगैरह के लिए यूज़ करते हैं, छोटे कार्डों में लगाते हैं जी। ये HD 7000 सीरीज होती है AMD की तरफ से। इसमें उनको DVI और DP पोर्ट्स मिल जाती हैं। ये हम अपने कस्टमर को देते हैं 1800 रुपये का। 1800 का जी। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे आ जाता है। ये है W2100 मॉडल है इसका। 2 GB DDR3 128 bit का एक कार्ड होता है जी। ये भी हमारे कस्टमर काफ़ी डिमांड है, जिनको 2 GB का कार्ड चाहिए लेकिन उनका सिस्टम यानी कि डुअल कोर है, लेकिन उसके अंदर 2 GB चाहिए, तो वो उनके लिए ये होता है। ये हमारे कस्टमर को मिल जाएगा 6500 रुपीज़ का। ठीक है, तो उसके बाद ये थर्ड नंबर पर ये आ जाता है कार्ड। ये है हमारे पास GT730 है। ये भी DDR3 का होता है 1 GB। ये हमारे कस्टमर को मिलेगा 4000 रुपये का। ये न्यू है, ये MSI की सील है, ना ओपन है जी। ये जो नई उन्होंने सीरीज निकाली थी दोबारा मैन्युफैक्चरिंग है, ये वो वाला मॉडल है। ठीक है, तो उसके बाद नंबर 4 पे ये कार्ड आ जाता है। ये हमारे पास 4 GB में पड़े हुए हैं, क्वांटिटी में पड़े हुए हैं। ठीक है, ये है R9 380 मॉडल है, 4 GB DDR5 256 bit का कार्ड है। ठीक है, ये आपके 256 bit की जो कैटेगरी है, लेकिन आपको जो प्राइस है वो RX 560 की कैटेगरी में मिलती है। ये हमारे कस्टमर्स को इस टाइम मिल जाएगा 23000 रुपीज़। ठीक है, क्वांटिटी पड़ी इसको। हाँ जी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट कार्ड कौन सा है? इसके बाद हम बहुत डिमांडेड कार्ड, ये तकरीबन यूट्यूब से हमें इतने इसके आए हैं। ठीक है, ऑर्डर्स आए हैं, अभी भी कस्टमर्स काफ़ी जिनका पेंडिंग में ऑर्डर। GTX 460 है, 1 GB DDR5 256 bit। ये GTX 550 Ti से बेहतर होता है और 650 से भी बेहतर होता है। ठीक है, और ये आपकी GTA 5 जैसी गेमिंग, ज़्यादातर लोग वही हैं जिन्होंने हमसे अभी तक बाय किए हैं, जो GTA 5 वगैरह खेली हैं, तो ये GTA 5 आपकी 1080p हाई सेटिंग 50+ FPS आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस हमारे कस्टमर को मिल रही है 7000 रुपया। और ये सिर्फ इस टाइम पे है, क्योंकि इस टाइम भी हमने काफ़ी कम रेट रखे हैं। उम्मीद है कि शायद अगले दिनों में रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन ये जो स्टॉक है, ये जो हमने बाय किया हुआ है, ये जो इस टाइम पे बाय किया हुआ है, जब तक ये स्टॉक है आपको इसी प्राइस में मिलेगा, इनकी प्राइस इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये आ जाता है नेक्स्ट कार्ड। ये है हमारे पास R9 390। ठीक है, ये हमारे पास 8 GB का ग्राफिक कार्ड है। ठीक है, ये 8 GB का कार्ड होता है, ये आपकी हर गेम हाईएस्ट सेटिंग पर रन कर सकता है इजीली। ठीक है, और ये हमारे कस्टमर को डिस्काउंट करके फुल एंड फाइनल ये उनको मिलेगा 42 का जी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट कार्ड कौन सा है? उसके बाद GTX 690। ये भी काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया था इस कार्ड के ऊपर हमारे पे। ठीक है, तो ये 4 GB होता है, 512 bit होता है, जिन्होंने गेमिंग करनी है उनके लिए बेस्ट है। अगर एडिटिंग करनी है, एडिटिंग में इसकी परफॉर्मेंस जो टेक पावर आप पे शो करवा रहा है वो 1066 GB के बराबर करके है। ठीक है, तो क्या प्राइस इसकी? ये हमने पहले तो रखी थी ज़्यादा प्राइस, लेकिन क्योंकि ये अब एक तरह का गोल्डन चांस है, तो हम अपने कस्टमर को ये 24000 रुपीज़ में दे रहे हैं फुली डिस्काउंटेड करके, जब तक ये स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड कौन सा है? ये हमारे पास आ गया GTX 650, जो लो एंड गेमर है। लास्ट टाइम मैंने इसकी प्राइस मेंशन की थी अपने कस्टमर को 15 या 14 500 जी, लेकिन ये अब इस टाइम पे लास्ट जो ऑफर है ये हम अपने कस्टमर को दे रहे हैं 13500 रुपये का। 13500 जी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट कार्ड कौन सा है? ये है जी GTX 960, काफ़ी डिमांड में ये कार्ड है। ठीक है, ये भी तकरीबन 2 पीस इस टाइम हमारे पास पड़े हुए हैं इसके जी, और आगे जिस तरह के पता है इम्पोर्ट बंद है, तो मुश्किल ही है कि आगे हमारे पास ये इस तरह के कार्ड आए। और तो ये जो कार्ड है ये हम फुल एंड फाइनल अपने कस्टमर्स को इस टाइम दे रहे हैं 18500 रुपये में। 18500। ये जो हमारी रेगुलर वीडियोज़ देखते रहते हैं उनको पता होगा लास्ट प्राइजेस और इस प्राइस में अगर वो कंपेयर करेंगे तो बहुत हमने ज़्यादा इस टाइम डिस्काउंट दिया है। ठीक है, गुड हो गया। नेक्स्ट कार्ड कौन सा है? ये हमारे पास 2 GB में GTX 660 है। ये PNY का है, फ्रेश पीस है जी। और आप ये देख सकते हैं इंपोर्ट वगैरह का स्टिकर भी अभी तक हमने नहीं उतारे इस पे से।
ठीक है। ये जो कस्टमर की डिमांड भी बड़ा अच्छा 750 बेहतर परफॉर्मेंस देता है आपको जी जी। और ये तकरीबन मार्केट वैल्यू इसकी इस टाइम कोई 18,000 जा रही है 19,000 लोग, क्योंकि अभी प्राइस इंक्रीज होने लग गई है आहिस्ता आहिस्ता। पहले ये भी 16-17 पे आ गया था, लेकिन हम अपने कस्टमर को ये 17,000 रुपये में दे रहे हैं, पुरानी प्राइस भी दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड कौन सा है? उसके बाद ये हमारे पास आ जाते हैं RX सीरीज के 4GB कार्ड। ठीक है, ये RX 470 कार्ड है, XFX में है। और ये काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई माइनिंग वाला कि नहीं, जो माइनिंग वाला होता है उसका रेट हम अलग देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लोकल परचेजिंग होती है। ये हमें बाहर से ही आए हैं ये डायरेक्ट, और ये हमने वहीं से अभी ये आपको मैं चेक कराता हूँ, ये सील लगी हुई XFX की, यानी कि अभी तक कार्ड ओपन नहीं हुआ, ये चाइनीज स्टिकर वगैरह, यानी कि बाहर से ही इम्पोर्ट हुई है। ये हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं 28,000 जी। और उसके बाद ये 570 है, इससे अगला मॉडल, ये हम अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं 30,000 का, सेम स्पेक का है, ये भी XFX में हमारे पास है, असूस में भी है, सफायर में भी मिक्स पीस है, ये हमारे पास यहाँ पे सारी क्वांटिटी लगी हुई है। ठीक है, तो ये सारे हम अब XFX में इस टाइम असूस SP एडिशन में है, MSI में है, ये सारे लगे हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट कार्ड कौन सा है? उसके बाद नेक्स्ट कार्ड जो हम बात कर लेते हैं, हमारे पास है ये एक तरह का बीस्ट कार्ड, ये है RX 590 तो बहुत डिमांड में होता है, हमारे पास इस टाइम 590 आए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, और ये आप चेक कर लें, XFX की ओरिजिनल सील लगी हुई है इनके बैक पे, यानी कि ऊपर हाँ कंडीशन वगैरह भी आपके सामने, 8GB का वेरिएंट है ये। ये हमारे कस्टमर्स को मिलेगा 50,000 का, लोग इस टाइम तकरीबन 50,580 का रेट दे रहे हैं जो लोकल यूज है, हम आपको इम्पोर्टेड जो सील्ड कार्ड है 590 की ये प्राइस दे रहे हैं इस टाइम। गुड हो गया, तो उसके बाद नेक्स्ट कार्ड कौन सा है? उसके बाद नेक्स्ट कार्ड आ जाता है जो लास्ट टाइम मैंने मेंशन किया था वीडियो में, हमारा स्टॉक आ रहा है। ठीक है, तो बहुत डिमांड थी, हमने काफ़ी सेल की है, हमारे पास इस टाइम कोई 10 पीस रह गए हैं। ठीक है, ये है हमारे पास GTX 1060 3GB, इसकी बहुत डिमांड थी, थोड़े दिन तक हमारा अगला स्टॉक भी आएगा 560 वगैरह का। और ये जो है ये 1060 है, 3GB Zotac में है ये हमारे पास। ठीक है, ये सील्ड है बिल्कुल। ठीक है, जितने पीस है सारे सील्ड? हाँ, ये बाहर से इंपोर्ट है। ठीक है, हाँ, कोई कह नहीं सकता कि ये यहाँ पे लोकल यूज है, सारे इंपोर्ट के कार्ड है इस टाइम हमारे पास पड़े हुए। ठीक है, आप इसके ऊपर हर गेम अल्ट्रा सेटिंग पे खेल सकते हैं 1080p की, ये 570 के बराबर का होता है एक तरह का। और प्राइस इस टाइम जो इसकी चल रही है मार्केट वैल्यू 32-33 चल रही है, लेकिन हम अपने कस्टमर्स को इस टाइम पे 31,000 का फुल एंड फाइनल देंगे। आप ये देख सकते हैं सारे हमारे पास इस टाइम ये पीस यहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, ये Zotac के। उसके बाद कस्टमर्स को काफ़ी लोगों की Ryzen की डिमांड थी, तो Ryzen का भी स्टॉक आ गया हुआ है, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो में हम अपडेट देते हैं। बाकी ये जो कार्ड हैं ये भी हमारे पास हैं, मकसद ये था कि एक दफ़ा ना लोगों को अपडेट करनी थी प्राइजेज। बाकी कार्ड भी हमारे पास सारे पड़े हुए हैं, जो मेन हमने वो शो किए हैं, जैसे 1GB DDR3 जिनकी ज़्यादा डिमांड है, अपने शो किए हैं DDR5 में 128 लो प्रोफाइल में भी कार्ड हमारे पास इस टाइम सारे कार्ड अवेलेबल हैं और क्वांटिटी में। अगर कोई शॉपकीपर भाई है वो चाहते हैं उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी लेनी है होलसेल रेट, हाँ, तो उनको होलसेल रेट पर भी हम प्रोवाइड कर देंगे इस टाइम। ठीक है जी, ग्राफिक कार्ड या इसके अलावा जितनी भी एक्सेसरी वो भी इस टाइम हर चीज़ होलसेल पर भी कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम हम स्टॉक में हैं और जब तक ये सामान है तो हम इसी प्राइस में आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह जैसे ही अगला स्टॉक आता है अगर वो कम हमें मिलेगा तो हम कम कर देंगे प्राइसेस। ठीक है, अगर ज़्यादा मिलता है तो जारी बात है फिर हम भी वही प्राइस बताएंगे जो हमें पीछे से आती है। गुड हो गया जी। लें जी गाइज, ये थी आज की वीडियो, अब्दुल्ला भाई ने ये ग्राफिक कार्ड आपको दिखाए, इनकी प्राइस इनकी डिटेल बताई है। अगर आप खरीदने में इंटरेस्ट है तो नंबर इनका ऊपर शो हो रहा है, वीडियो में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर इनसे रब्ता करें और परचेज़ कर सकते हैं। इनका जो एड्रेस है वो फैसलाबाद रेक सिटी सत्याना रोड पर है। शॉप का एड्रेस क्या है? शॉप नंबर 31 है, 3rd Gallery 1st Floor, ऊपर वाला जो फ्लोर है रेक सिटी फैसलाबाद। नेम? टेक्नोफाई। ठीक है, तो ये इनकी शॉप का एड्रेस था। अगर आप खरीदने में इंटरेस्ट हैं तो आप ज़रूर इनसे रब्ता करें। बाकी आज की वीडियो यही थी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।